बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से खास बातचीत किया हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार ने, आपको सुनवाते हैं। बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से। नड्डा जी, इतनी धूप है फिर भी इतनी भीड़, और वो भी अल्पसंख्यक बहुल एरिया में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक तरफा लोगों का रुझान है और मोदी जी के प्रति जो अथाह प्रेम और अटूट विश्वास वो हम सबको दिखता है। और क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या युवा, क्या किसान, क्या मेहनतकश मजदूर सभी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर हैं और वो एक तरफा समर्थन दे रहे हैं, ऐसा मुझे देखने को मिलता है। सर, ऐसे कौन कौन से आपको लग रहा है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी का काम हो, यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर जो बीजेपी को और आपको सत्ता पर फिर बरकरार रखे? देखिए, एक समय में यहाँ 27 साल पहले ये कर्फ्यू। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। 365 दिन में 250 दिन कर्फ्यू लगा होता था, विकास नाम की चीज नहीं थी, पानी के लिए दो बूंद के लिए तरस जाते थे और यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं था। आज हम देख रहे हैं कि मोदी जी ने विकास की नींव रखी है और उस नींव पर के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में आज गुजरात नंबर वन पर खड़ा है, सारी व्यातों पर नंबर वन पर खड़ा है और इसीलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर हैं। सर, जितने अब आपके विरोधी हैं उनकी नज़र गुजरात विधानसभा चुनाव पर है, उनको लगता है, खासकर कांग्रेस को, कि इस बार बीजेपी को हम साफ कर सकते हैं क्योंकि 99 पिछले किए थे, इस बार उनको औकात दिखा देंगे, प्रधानमंत्री को औकात दिखा देंगे कांग्रेस के नेता का। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वह चुनाव में ये एक तरफा फैसला है और कांग्रेस कहीं खड़ी भी नहीं हो पा रही है। जो शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं वो, ये सोनिया जी और राहुल गांधी, शुरू से ही जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गद्दी संभाली है तब से इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और यही प्रयोग थोड़ा सा उनके लोग भी आगे, जो उनके नेता हैं वो भी इस बात का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये उनका एक तरीके से निराशा, हताशा को दर्शाता है और साथ ही साथ जिस तरीके के स्तर का सोच वो रखते हैं वो भी इसमें से स्पष्ट देखने को मिलता है। एक सवाल है सर कि आप अक्सर बोलते हैं कि उसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन जब हम लोग पूरे गुजरात में जा रहे हैं तो आम आदमी पार्टी की दावा कि वो इस बार कांग्रेस को पछाड़ देगी, यहाँ तक कि सर्वे तो ऐसा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि वो सत्ता में आ रहे हैं। रविंदर जी, 8 तारीख के बाद आपने भी रहना है, मैंने भी रहना है। ये नॉन स्टार्टर पार्टी, ये बैनर बेस्ड पार्टी, ये हर जगह यही हल्ला करती है। उत्तर प्रदेश में मुंह की खाके आई, उत्तराखंड में सरकार बनाने चले थे जमानत जब्त करा ली, गोवा में कहीं खड़े नहीं हुए, हिमाचल में आए पीछे गए पहले, और गुजरात में भी इनका यही हश्र होने वाला है। कितनी, आखिरी सवाल सर, कितनी उम्मीद, कितनी सीटें? एक तरफा भारतीय जनता पार्टी सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, एक तरफा सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ना, और ये भीड़ देखकर जिस तरह से उत्साहित है उससे उनको लगता है कि मोदी जी के नाम, मोदी जी का काम पर एक बार फिर से सरकार। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।